हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, फाइनली हम लोग पबजी मोबाइल 2.8 का अचीवमेंट वीडियो लेके आ चुके हैं। आज का वीडियो में हम लोग दोनों अचीवमेंट देखने वाले हैं और एक अचीवमेंट का तो रिवॉर्ड एपिक टाइटल है जो कि परमानेंट होने वाला है। और ये जो टाइटल है ड्रैगन बॉल के कंपेयर में काफी इजीली आप इसको ले सकते हो और इस बार आपको कोई स्क्वाड का जरूरत नहीं है। ये जो दोनों अचीवमेंट है इसको आप सोलो, डुओ, स्क्वाड तीनों में कर सकते हो और इवन ये तीनों में आपका आप यूज ले सकते हो, लाइक इरांगल, मीरामार एंड लिविक। ऑब्वियसली मेरा सजेशन तो रहेगा तो लिविक मैप में अगर आप करोगे तो जल्दी ये चीज कंप्लीट होगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड, आप मीरामार इरांगल भी खेल सकते हो। लिविक थोड़ा ईजी हो जाएगा अगर आप अचीवमेंट को लेकर चल रहे हो तो। ठीक है, तो चलो कौन सा दो अचीवमेंट है चलो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि आज आप देख पा रहे मेरा ब्रॉन्ज लीग है, तो मेरा पबजी मोबाइल का जितना भी आईडी सबका सब ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड लीग में ही है। तो इसी चलते एक अचीवमेंट कंप्लीट हुआ, बट मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा कैसे आपको करना है और आप इजीली दोनों अचीवमेंट को एक ही मैच में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इधर हम लोग क्लिक करेंगे और इधर आप देख पा रहे हम लोग अचीवमेंट में क्लिक करेंगे, सबसे नीचे चल जाएंगे और इधर आप देखो दो न्यू अचीवमेंट ऐड हुआ। सबसे पहले डेंजर जोन अचीवमेंट, ये जो डेंजर जोन अचीवमेंट है काफी ईजी है, आराम से आप इसको कर सकते हो और इसका तीन सब पार्ट है। और एक बेनिफिट बात यह है ना कि ऐसा नहीं कि आपको तीनों सब पार्ट को एक ही मैच में कंप्लीट करना है। मैं तो बोल रहा हूँ एक मैच में आप कर सकते हो, बट एनी हाउ अगर आप मर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका दूसरा मैच में भी वो काउंट होगा, जितना चाहे उतना मैच आप लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो एक एक करके हम लोग इसको सब पार्ट देख रहे थे कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि पहला जो सब पार्ट है इसका एंटर द एरोलिथ लैब, तो एरोलिथ लैब जो होगा वो आपको मीरामार में दो, इरांगल में दो एंड लिविक में आपको एक देखने को मिलेगा। मैप में आपको एक दिख जाएगा लोगो, उसमें आपको जाना होगा। अब देखो एक चीज़ अच्छा ये है कि मिशन का कि आपको जस्ट जाना होगा, आपको बॉस उसका मारने का जरूरत नहीं है, ना ही जॉम्बीज सबको मारना होगा। जस्ट आप जाओगे आपके बैकपैक में जैसे ही रिस्पॉन्ड कार्ड आ जाएगा ना, तब समझ लेना कि आपका जो ये पहला वाला जो मिशन है या बोल सकते पहला सब पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद आप मार भी सकते हो, फाइट भी ले सकते हो या उधर से निकल भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड, आपका पहला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, उसका सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको 15 ज़ॉम्बीज सबको मारना है। तो देखो ज़ॉम्बीज सबको मारना बहुत ही ईजी है, एरोलिथ लैब में जाओगे तो उधर आपको भर भर के ज़ॉम्बीज देखने को मिल जाएगा, कैप्सूल भी तोड़ोगे तो उधर भी ज़ॉम्बीज देखने को मिलेगा। अगर आपको इधर नहीं जाना है तो सिंपल है कि आपको मैप के जगह जगह में आपको ज़ॉम्बीज देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली आपको ज़्यादा ज़ॉम्बीज चाहिए तो आपको मैप में दो येलो लोकेशन में दिख जाएगा सर्कल वाला, उधर उधर होगा तो आपको रेगुलर बेस में स्पॉन होते हुए दिखेगा ज़ॉम्बीज, और 15 को मारोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। एक मैच भी कर सकते हो और आप आराम से टाइम लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टिप्स में सेकंड वाला मैं ये दूंगा कि आप जब ज़ॉम्बीज सबको मार रहे हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि वेपन ज़्यादा यूज़ नहीं करने के लिए, क्योंकि अगर आपका आजू बाजू एनिमी होगा गन फायर सुन के वो डायरेक्टली आपको आके मार देगा। मेक श्योर कीजिएगा कि कोई भी मचेटी, पैन या सबसे बेस्ट जो बोलते हैं जो कि डबल डैमेज देता है वो ड्रैगन जो नया वाला जो नाइफ आया है ना उसको यूज़ करोगे ना, वो डबल डैमेज देता है ज़ॉम्बीज सबको एंड जो बॉस है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो और इवन उसका साउंड भी नहीं होगा तो आप मिशन भी कंप्लीट करते जाओगे, ज़ॉम्बीज सबको मारने से किल फीड में नहीं आता, तो इसलिए आप ये सबको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो तीसरा वाला भी जो ऑप्शन है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा वाला में बोला जा रहा है क्विप म्यूटेशन ब्लेड एंड म्यूटेशन गॉन्टलेट एंड यूज़ इट स्किल वन टाइम। तो एक्चुअली आपको ये गेम में, ये मोड में आपको दो स्पेशल वेपन मिलेगा, एक स्पेशल वेपन का नाम है म्यूटेशन ब्लेड और सेकंड जो है वो है म्यूटेशन गॉन्टलेट। ठीक है, ये जो दोनों चीज़ है ना ये अगर आप बॉस सबको मारोगे उस टाइम भी मिलेगा, कभी कभी ज़ॉम्बीज सबको मारोगे वो भी आपको गिरा देगा, तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बॉस सबको मारोगे तो कन्फर्म है और ज़ॉम्बीज सबको मारोगे तो कभी कभी वो गिरा देता है। ठीक है, सिंपली क्या करना, दोनों ये वेपन है ना दोनों को इक्विप करना है या आपके इन्वेंटरी में रखना है और दोनों को स्किल को यूज़ करना है। तो स्किल को यूज़ करने के लिए आपको किसी को मारने का जरूरत नहीं, जस्ट आप कहीं भी रैंडम चला दोगे ज़ॉम्बीज मरे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट आपको इक्विप करना है और कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसका म्यूटेशन ब्लेड भी काफ़ी ओपी है, इसका स्पेशल बोल सकते हो ड्रिफ्ट वाला जो चीज़ है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है, ज़ॉम्बी सब फेंका जाता है। उसके साथ साथ एक और है उसका म्यूटेशन गॉन्टलेट जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जस्ट यूज़ करना है और आपका तीनों कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी टीयर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ब्रॉन्ज, सिल्वर जो भी लीग में हो आप इजीली कर सकते हो। तो इसको कंप्लीट करेगा तो 30 अचीवमेंट पॉइंट और आपको दो क्लासिक कूपन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ओके डन, और उसके बाद आप देखो इसमें हम क्लिक करते हैं, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का अचीवमेंट कंप्लीट हो गया। इतना इजी है कि जस्ट आप देखो 27% ऑल ओवर द सर्वर हो चुका है, जस्ट आज सेकेंड डे है। ठीक है, किसी को तो पता भी नहीं चलेगा ये अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इतना इजी है। अभी सेकेंड अचीवमेंट है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है,
बट अगर आप स्मार्टली करोगे ना, ये भी आप एक ही वही मैच में कंप्लीट कर सकते हो जिसमें आप ये वाला अचीवमेंट कंप्लीट किए। इसका नाम है फिनिशिंग ब्लो। अब ये अचीवमेंट कंप्लीट करने के लिए आप फिर से सोलो डुओ स्क्वाड तीनों कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर स्क्वाड है तो इसके साथ भी कर सकते हो। पहले आप लोग आपस में बात करके एक एक मैच में दोनों अपने फ्रेंड का हेल्प ले लेके आप कंप्लीट कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपका जो लीग होना चाहिए आपका डायमंड टियर है उससे ऊपर होना चाहिए। इसी चलते मेरा ये वाला अचीवमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये वाला नहीं होता रिस्ट्रिक्शन तो मेरा जो अचीवमेंट है वो अभी जस्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं जो आखिरी बंदा है इसमें बोला जा रहा है आपको। जब थोड़ा सा पहले मैं बताया म्यूटेशन ब्लेड एंड म्यूटेशन गॉन्टलेट, ये दोनों जो वेपन है इसको यूज करते हुए कोई भी एक वेपन से आखिरी बंदे को पूरा फिनिश अप कर देना है, जस्ट खत्म कर देना है, ठीक है। तो इसी चलते मैं बोला कि अगर आप सोलो है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर बंदा वो वेपन यूज करेगा, मतलब बंदूक तो यूज करेगा ऑब्वियसली गन, तो आपको सोच समझ के एकदम यूज करना है। इसमें एक सजेशन ये रहेगा कि आपको सिंपली करना ये है कि वो बंदे को थोड़ा सा पहले ही डैमेज दे देना है, पैर में मार दो, थोड़ा सा डैमेज निकाल दो, अगर हाफ हेल्थ कर दो। अगर सोलो में बात कर रहा है, स्क्वाड में तो भाई आपका फ्रेंड हेल्प कर सकता है, थोड़ा सा वो डैमेज देगा, आप जाके सीधा चढ़ जाओ उसके ऊपर, खत्म। तो आप थोड़ा सा पैर में उसका डैमेज दे दो और उसके बाद आप ये दोनों में से कोई भी वेपन दे दो, क्योंकि एक हीट में इतना जल्दी ये मरता नहीं है। क्योंकि मैं जब इसका खेल रहा था बीटा वर्जन उसमें थोड़ा सा डैमेज इसका ज़्यादा था, बट मैं जब मैं ये ग्लोबल वर्जन में खेला तो इसमें थोड़ा सा डैमेज मुझे कम लग रहा, थोड़ा सा पावर इसका घटा दिया गया है। बट आप फिर भी कर सकते हो, जैसे कि बताया कि आप थोड़ा सा पहले से डैमेज दे के रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप जाके उसके ऊपर चढ़ सकते हो। जैसे कि बताया थोड़ा सा अगर आप डैमेज दे दोगे लेग्स में तो थोड़ा सा वो हेल्थ जाएगा, और अगर वो हील करने जाता था उसके ऊपर जाके अटैक करना जाओ, तो ये दो बेनिफिट हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बहुत ईजिली हो सकता है एज कम्पेयर टू ड्रैगन बॉल वाला अचीवमेंट, ये तो भाई उससे 10 गुना ईजी है, ठीक है। तो वो भाई लिटरली साथ साथ चिकन डिनर टीम के साथ, उसके साथ साथ आखिरी वाला में जो हालत खराब होता है उसके बाद टाइटल मिलता है, बट उसका कंपेयर में ये जो टाइटल आप देख पा रहे हो ये आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, जो दो वेपन है उसमें से कोई भी वेपन को यूज करते हुए आखिरी बंदे को मारना है। आखिरी बंदा जैसे ही मारोगे चिकन डिनर निकलेगा तो आपका मैच बोल सकते हो फिनिश, ठीक है, समझ में आ गया। तो होपफुली आपको दोनों अचीवमेंट पूरा समझ में आ गया। फिर भी कुछ भी चीज में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।